आजकल स्पाउस वीजा की बहार चल रही है। हर जगह स्पाउस वीजा लोग अप्लाई कर रहे हैं। कंसल्टेंट्स भी धड़ाधड़ स्पाउस वीजा एप्लीकेशंस को बेच रहे हैं। इंडिया से करीब करीब 1.5 लाख स्टूडेंट हर एक साल आ रहा है यहाँ पर, और कई लोगों की शादियाँ हो गई हैं तो वो स्पाउस वीजा अप्लाई कर रहे हैं। जिनकी शादी नहीं हो रही है तो वो, क्योंकि पार्टनर अगर कनाडा में है तो जल्दी से शादी भी हो जाती है। अगर स्पाउस वीजा आप अप्लाई करते हैं तो चंडीगढ़ से करीब करीब 60% रिफ्यूजल रेट है। दिल्ली और बेंगलोर में तो ज़्यादा ही है अप्रूवल रेट। स्पाउस वीजा जब रिजेक्ट करते हैं तो कई बार वो, आपने देखा होगा, लिखा होता है उसमें कि योर मैरिज इज़ नॉट जेन्युइन, या स्पाउस की आपकी जो एक डेफिनेशन मीट नहीं हो रही। कुछ लोगों ने मेरे से पूछा है इसका मतलब क्या होता है, कि जेन्युइननेस क्या होती है। ये जेन्युइननेस का मतलब जो कनाडा का कुछ और मतलब है, आपका मतलब कुछ और है। हम तो ये देखते हैं इंडिया में कि हमारे पास मैरिज सर्टिफिकेट है, हमने सेरेमनी करी, हमने हजारों फोटो लगा दी, हमने करोड़ों का खर्चा कर लिया, 1 लाख बराती बुला लिए और हनीमून की फोटो लगा दी और गिफ्ट दे दी, ये सब है तो मैरिज तो जेन्युइन हो गई भाई। मैरिज में क्या है, मैरिज तो ऐसी होती है। लेकिन वीज़ा ऑफिसर कुछ और कह रहा है। वीज़ा ऑफिसर कह रहा है कि आपने सब कर तो लिया है लेकिन आपकी मैरिज हमें जेन्युइन लग रही, तो वो जेन्युइननेस क्या है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इमिग्रेशन रेफ्यूजी प्रोटेक्शन रेगुलेशन लिखा हुआ है, सरकारी वेबसाइट पे है, मेरी अपनी वेबसाइट नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट पे है ये। और ये रेगुलेशंस और लॉ एक्ट है जो उसके हिसाब से रिफ्यूज़ल या अप्रूवल लगता है किसी भी वीज़ा का। तो जब भी कोई रिफ्यूज़ल होगा तो वो आपको एक रेगुलेशन का नाम देंगे या एक्ट का लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू ये सेक्शन आपको एंटाइटलमेंट नहीं है वीज़ा का। तो एक आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं उसको कहते हैं बैड फेथ, और रेगुलेशन का ये नंबर है 4 और 1A B, आप देख लो इसमें बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं आप, कि या तो मैरिज हुई है पर्पस ऑफ एक्वायरिंग एनी स्टेटस ऑफ प्रिविलेज और इज नॉट जेन्युइन। दोनों का मतलब थोड़ा सा फर्क है लेकिन उसका इशारा एक ही है, कि आपने मैरिज तो कर ली लेकिन आपने ये जो मैरिज करी है ये, इसका जो पर्पस है वो कनाडा जाना है, आपस में घर गृहस्थी बसाना नहीं है। घर गृहस्थी बसाओगे लेटर ऑन जो भी कुछ होगा, लेकिन इस वक्त जो मैरिज के आपने जो डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन दी है उससे ये मालूम पड़ता है कि असली चक्कर है कनाडा जाना, मैरिज तो एक बहाना है। दूसरा जो जेन्युइननेस है, जेन्युइननेस से मतलब ये है कि आपने शादी कर ली लेकिन असल में आपका जो एक मैरिटल यूनियन है, जो एक, जिसको एक और इंग्लिश में हम शब्द यूज करते हैं कि यू आर नॉट कमिटेड टू ईच अदर, कमिटमेंट एक दूसरे की नहीं है, मतलब दिखाने के लिए आपने हस्बैंड वाइफ का एक एक जोड़ा आपने दिखाया है लेकिन अल्टीमेटली वो आपके पास एक, वो एक कपल लाइक बिहेवियर वो एक वो नहीं आ रहा। तो वो तो शायद यहाँ पर लोगों के 40-40 साल बाद की भी शायद पता ना लगे कि भी आ नहीं रही, तो ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन वो डॉक्यूमेंट से और इन्फॉर्मेशन से मालूम नहीं पड़ रहा कि कपल का एक बिहेवियर जैसा होना चाहिए वैसा समझ में नहीं आ रहा। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आज मेरी शादी होती है और कल को मेरी वाइफ, मैं इंडिया में हूँ और कल को मेरी वाइफ आके वहाँ से फ्लाई करके आती है, 1 हफ्ते बाद शादी होती है, हफ्ते 10 दिन बाद वो कहती है जी मेरे को तो छुट्टी नहीं है, मैं तो घर वापस जा रही हूँ कनाडा। कपल को एक दूसरे के साथ रहने का मौका ही नहीं मिला, जो एक कोहैबिटेशन जिसको कहते हैं वो एक एस्टैब्लिश करने का मौका नहीं मिला। तो कैसे मालूम पड़ेगा कि कपल आर कनेक्टेड टू ईच अदर, दे हैव बीन कोहैबिटिंग। कोहैबिटिंग का एक मतलब होता है कि इकट्ठे रह रहे हैं, तो वो तो मालूम नहीं पड़ने वाला, तो इससे ये प्रॉब्लम हो जाएगी। कई बार आपने सुना होगा जैसे कि जैसे अगर मैं इंडिया में हूँ और मेरी वाइफ ने वीज़ा अप्लाई किया 6 महीने पहले और वीज़ा लग के वो चली गई कनाडा, कनाडा जाने से पहले जब उसका वीज़ा आ गया तब किसी बिचौलिए ने, ब्रोकर ने, दलाल ने, शादी.com, कहीं ना कहीं से मैंने देख लिया कि भाई उसके साथ रिश्ता कर लेना चाहिए क्योंकि उसका वीजा लग गया, ये अच्छा टिकट है, गोल्डन टिकट है कनाडा जाने का। तो जो टाइमिंग है वो एक क्वेश्चन में आ जाएगी, वो ये रेगुलेशन 4 को एकदम इंडिकेट कर देती है, रेड फ्लैग लग जाता है कि भाई इनका जो इंटेंशन है वो कनाडा जाना का है। अभी पहले लड़के लड़की ने कोई बातचीत नहीं करी, कोई कोई हाँ ना कुछ कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इमिजिएटली जैसे ही लड़की का वीजा लगा वैसे ही जट मंगनी पट शादी हो गई, तो उससे शक हो गया कि भाई ये कनाडा का चक्कर है, तो जेन्युइननेस नहीं प्रूव होगी। दूसरा आप देखें कि चाहे तो शादी में वीजा मिलने के बाद, शायद चाहे तो शादी बाद में हो, लेकिन अगर पहले की अगर हिस्ट्री है, लड़का लड़की अगर एक दूसरे से मिलते रहे हैं काफी टाइम से, तो अगर वो
एक दूसरे का मिलना जुलना, उसका जो एविडेंस नहीं है आपके पास, अगर मैं बोलूं कि मैं अपनी मंगेतर से पिछले 4 साल से जी मिल रहा हूँ, चैटिंग कर रहा हूँ, जो मुझे कॉलेज में पढ़ती थी, तो उसका प्रूफ क्या है? कोई प्रूफ है आपके पास? कोई फोटो है उस जमाने की? कोई टेक्स्ट मैसेज है या एक दूसरे को गिफ्ट दिए हैं वो हैं आपके पास, या इकट्ठे आप कुछ कोई और जॉइंट एक्टिविटी करी है उसका कोई वो है? कोई एविडेंस तो है नहीं है। आपने तो कह दिया कि हमारे पास जी बहुत पुरानी हमारी वो है बातें हैं, हम लोग मिलते थे और एकदम, लेकिन शादी हुई है, जब उसका वीज़ा मिल गया तब शादी हुई है। तो वो इमिडिएटली आप जो इसको बैड फेथ कहते हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं, बैड फेथ कहते हैं इसको, तो उसमें आप आ जाओगे कि आपने ये चक्कर जो चलाया है, चक्कर चलाते रहो जो मर्जी करते रहो, हु केयर्स, पर लेकिन इमिडिएटली जब उसका उसने वीज़ा अप्लाई किया, आपका आपके पास आईलेस नहीं था, उसने आईलेस आ गया, उसका अच्छा आ गया, उसका एडमिशन हो गया, उसका वो हो गया, सक्सेसफुल हो गई, तो इमिडिएटली उसने कहा चल भाई मैरिज कर लेते हैं। तो इसको कहते हैं मैरिज इज नॉट जेन्युइन। तो ये आप देख लो कि आपको कैसे आप बच सकते हो, अगर आपको पहले ही से तैयारी करके उनको एक अपनी कहानी बता दोगे तो शायद बच जाओगे। अल्टीमेटली वो बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए आपको, और इंटरव्यू में भी वही सवाल पूछेंगे, कैसे मिले आप, कहाँ मिले, क्यों मिले, उस वक्त क्या था, आज क्या है, वो आपका जो स्पॉन्सर है वो कहाँ पर है, और वो क्यों नहीं आया यहाँ पर, यू नो वगैरह वगैरह, ऐसे 5-6 सवाल से उनको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसमें आपकी इंटेंशन क्या है। इंटेंशन एक एक चीज है जो अब वीजा ऑफिसर आपके मन में झांक के तो देखेगा नहीं कि आपकी इंटेंशन क्या थी शादी वगैरह, लेकिन जो आपने जो बयान लिखे हैं या कुछ लिखा ही नहीं है, उससे वो समझ जाएगा कि भाई इसमें मोर और लेस लाइकली है कि इनकी इंटेंशन कनाडा जाने के लिए, इसलिए वो रिफ्यूज कर देगा। तो आप ये समझ लें, Regulation 4 को पढ़ लें, सामने है, और अगर आपको लगता है कि आपके पास इनफ इंफॉर्मेशन है इसको प्रूव करने के लिए, इस बात को पहले ही टैकल करना चाहिए। इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, लॉयर्स हैं, कोई भी है जो भी एप्लीकेशन लगाते हैं, अगर वो इस चीज को लेकर पहले चलेंगे तब उनकी वीजा एप्लीकेशन सक्सेसफुल होने के चांसेस हाई हैं। अगर इस चीज को नजरअंदाज करते हैं तो आप समझो कि आज या कल वो एप्लीकेशन डूबी डूबी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, और आप जरूर कमेंट्स अपना डालें, आपका एक्सपीरियंस, अगर आपने इंटरव्यू दिया है वीजा ऑफिस में ऐसा स्पाउस का, जरूर आपके कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ, हर एक कमेंट्स में पढ़ता हूँ, और आई टेक ग्रेट प्राइड इन डिटेलिंग द रिसर्च अंडरलाइन एवरी वीजा। जब भी कोई वीजा एप्लीकेशन या रिफ्यूज होती है या इवन अप्रूव होती है, तो मैं उसके बारीकी में जाके देखता हूँ कि वीजा एप्लीकेशन वो कैसे रिफ्यूज हुई या क्यों अप्रूव हुई, जिससे कि आगे के फ्यूचर के एप्लीकेशन में फायदा हो जाए, और दैट्स व्हाट इट इज। वन मोर थिंग अबाउट टू शेयर इज दैट आई विल बी इन न्यू दिल्ली इन जनवरी। अगर जिसको मेरे को मिलना है कोई, अगर आपका कोई केस फंसा हुआ है, अगर कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो आप जरूर आके मिल सकते हैं, मेरे को ईमेल करें। फीस मेरी जरूर है $220, लेकिन दिस इज द बेस्ट $220 यू विल स्पेंड ऑन एनी इमिग्रेशन कंसल्टेशन। आपको मैं पूरी रिसर्च करके पूरा लॉ बता के आपको समझाऊंगा, जो भी वीजा एप्लीकेशन के बारे में आप पूछोगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।